वेलकम बैक टू द मीनूज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रोस्टेड पोटैटो की रेसिपी। यहाँ पे मैंने सॉस पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून घी। घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। जैसे घी गरम हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ जो मैंने बहुत ही बारीक कट कर ली थी। लो फ्लेम पे हम इसे भूनते रहेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और ठंडा होने के लिए हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ बॉयल पोटैटोस जो मैंने नमक के साथ इसे बॉयल कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स और जो घी हमने लहसुन के साथ भून लिया था वो मैं यहाँ पे इसे छान लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून और नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास और भी सीजनल्स है जैसे पिज़्ज़ा सीजनल्स एंड ऑल, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके पोटैटोस को बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे हम रोस्ट होने के लिए फूड ट्रे में इवनली हर जगह स्प्रेड कर लेंगे। तो चलते हैं ओवन में इसे रोस्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने फूड ट्रे को ओवन में रख दिया है। टेम्परेचर मैंने सेट किया था 230 का और 30 मिनट्स के लिए मैंने यहाँ पे टाइमिंग लगा दिया है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे रोस्टेड पोटैटोस। जितने अच्छे ये दिख भी रहे हैं, उनका टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। आप इसे टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, आपके चाय के साथ में और क्वालिटी टाइम के साथ में। तो यहाँ पे हमारे रोस्टेड पोटैटोस रेडी हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से इन्हें ट्राई करते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू दी माई चैनल। थैंक यू।